अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज शास की किचन में बन रहा है अरबियन पराठा मुतब्बक। देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बनता है शास की किचन में, मेरी पूरी वीडियो में बने रहिए। मैं यहाँ 3 कप मैदा लेकर हूँ। इस मैदे को हम सिंपली गूंदेंगे सिर्फ नमक और पानी से, जैसा कि हमें नॉर्मल रोटियां का आटा जो गूंदते हैं उसी तरह से। यहाँ मैंने मैदे में थोड़ा सा नमक ऐड की हूँ और इसे नॉर्मल पानी से, जिस तरह से रोटियों को गूंदते हैं उस तरह से हम गूंद लेंगे। से थोड़ा तेल ऊपर डालकर आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा रेडी हो गया है। इसमें और थोड़ा सा ऊपर तेल को ऐसे मल के मैं कुछ देर छोड़ दूंगी। मुतब्बक बनाने के लिए यहाँ मैं एक मीडियम साइज की बारीक चॉप्ड ऑनियन लेकर हूँ। इस तरह से बहुत बारीक एक ऑनियन चॉप करके हमें लेनी है। इसमें मैं बहुत बारीक ग्रीन चिलीज ऐड करूँगी, बहुत ही बारीक इसको काटना है। ऑनियन में यहाँ मैं प्याज जाएगा, ग्रीन चिली जाएगी और यहाँ मैं थोड़ा सा हरिया धनिया यानी खुती मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर हूँ। इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑरेगानो खुशबू के लिए। और एक नमक टेस्ट के हिसाब से। जरा सी काली मिर्ची अब इस तमाम मसाले को हमें फेटिंग है, अंडे के अंडा जैसा है, इस तरह से हमें इस पूरे मसाले को ये हमारे पराठे की फिलिंग रेडी हो गई है, मुतब्बक की फिलिंग। अब नेक्स्ट हमें इसको कैसे फिल करना है और इसे कैसे फ्राई करना है देखेंगे। मैं यहाँ आटा जो गूंदी थी वो एकदम मुलायम हो गया है, जैसा कि हमें बेले तो खुद ब खुद रोटी फैलती जाना। इसमें से मैं एक पेड़ा लूँगी। फ्लोर पे थोड़ा मैदा डस्ट कर लें। जितनी बड़ी रोटी आप बेल सकें। इस तरह से इसे बेलें, जितना इसको आटे को स्ट्रेच कर हमें बड़ी रोटी बना सकते हैं उतना बड़ा, उतना स्ट्रेच करके इसे
एक बड़े से पराठे में तब्दील करें। बच्चों को टिफिन में और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है फ्रेंड्स, बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं जितना स्ट्रेच कर पाई वहाँ आटे को मैंने स्ट्रेच कर लिया है। इसके अंदर अब हम फिल करेंगे हमारी जो अंडे का जो हमने मसाला बनाया था। यहाँ मैं थोड़ा सा मेरे स्टाइल में बना रही हूँ, यहाँ मैंने थोड़ा सा जेलोपिनो चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा तीखा तीखा खट्टा खट्टा हमें थोड़ा पराठे का टेस्ट मिले। इसके साथ आप अपने मनपसंद की फिलिंग दे सकते हैं फ्रेंड्स, चीज़ सब इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सिंपल बना रही हूँ। फिर नेक्स्ट इसके साथ हम हमारी ये जो बिस्मिल्ला, एग की जो फिलिंग हमने तैयार की थी वो हम इसमें डालेंगे। तवे को हमने यहाँ प्री हीट करने के लिए रख दिया, हमारा तवा गर्म हो रहा है, तब तक हमें इसको इस तरह से बिस्मिल्लाह इस तरह से हमें चारों तरफ से पराठे को कवर करना है फ्रेंड्स। ताकि फिलिंग बाहर नहीं आए, हमारा तवा यहाँ थोड़ा सा गर्म हो रहा है, मैं दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पैन में पराठा डाल दी हूँ, इसको हम जहाँ से फोल्ड किए थे बैक साइड से वैसे इसको हम तवे पर डालेंगे, ये अंदर ही पकेगा। इसको बहुत सारे ऑयल में बनाते हैं। पहले टर्न नहीं करना, पहले एक साइड से नीचे क्रिस्प हो जाए, फिर हम नेक्स्ट टर्न करेंगे। वाओ माशाल्लाह, देखिए फ्रेंड्स ये कैसे क्रिस्पी हमारा पराठा बन रहा है, मुतब्बक इसको कहते हैं। इसको धीमी आंच पे कर दें तो अंदर का जो फिलिंग है वो बराबर से पक जाएगा। अंदर जेलोपिनो की सॉस की जो चीज़ की जो फिलिंग है हमने अंडे की दी थी, बहुत ही यम्मी होती है। इसे सऊदीया में बहुत पसंद से खाया जाता है फ्रेंड्स। माशाल्लाह देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी और करारा दिख रहा है हमारा फिल्ड मुतब्बक। इसको और थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमें अंदर की जो फिलिंग हमने की थी एग और ऑनियन की वो पूरा पक जाए। देखिए कैसे पराठा ऐसे फूल गया, क्यों? अंदर जो हमने अंडे की फिलिंग दी थी वो पककर बल्क हो गई है। देखिए माशाल्लाह है, देखो फ्रेंड्स कैसा हमारा पराठा, वाओ लुकिंग ग्रेट, इतना क्रिस्प और करारा पराठा बना है, खाने में भी वैसे ही लजीज होगा फ्रेंड्स। यहाँ हमारा मुतब्बक पराठा रेडी हो गया फ्रेंड्स, इसको हम रिमूव करेंगे और सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह।
मसाला बहुत यम्मी है फ्रेंड। अंदर जलेपिनो चीज़ की जो टेक्सचर आ रहा है वो बहुत ही यम्मी है, अंडे की फिलिंग है, लाजवाब है। इसे एक बार ज़रूर ब्रेकफास्ट में बनाइए। मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबका शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक भी कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना फ्रेंड्स। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।